जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत झारखंड में खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे और आज बेहतरीन ढंग से हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन के अंतर्गत टंगस्टन के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। उतनी जानकारियाँ जितनी कि अपने को झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। तो प्यार दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और मानचित्र के भी माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि झारखंड में टंगस्टन कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 9 वीडियो सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। ये 10वां नंबर का वीडियो सेशन है। सभी वीडियो सेशन आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था में मिल जाएगा। अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो प्यार दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरम्भ करते हैं और बेहतरीन ढंग से हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि यह अलौह धात्विक समूह का खनिज है। टंगस्टन। तो प्यार दोस्तों, टंगस्टन जो है ना, यह जो है ना उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है कि उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तापमान को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसका गलनांक जो है वो बहुत हाई रहता है, तो इसी के लिए यह जो है उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। और अयस्क की बात करें कि यह जो टंगस्टन खनिज है यह किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो प्यार दोस्तों दो अयस्क, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस अयस्क से इस खनिज की प्राप्ति की जाती है। तो देखिए, टंगस्टन खनिज जो है ना वह मुख्य रूप से दो अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पहला है आपका सिलाइट और दूसरा है वोल्फरमाइट। पहला सिलाइट और दूसरा वोल्फरमाइट, ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है कि सिलाइट और वोल्फरमाइट दो ऐसे मुख्य अयस्क हैं जिससे कि टंगस्टन की प्राप्ति होती है। उसके बाद इसका उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर, तो अब आपको ध्यान देना होगा, इस मानचित्र में आपको आना होगा प्यार दोस्तों कि उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, सिंहभूम का काली माटा क्षेत्र, सिंहभूम में काली माटा एक क्षेत्र है, वहाँ पर से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है। उत्खनन के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से सिंहभूम के कालीमाटा क्षेत्र में और दूसरा हजारीबाग क्षेत्र में। तो हजारीबाग क्षेत्र में ज़्यादा टंगस्टन की प्राप्ति होती है, उत्खनन होता है। और पूरे भारत का, मैं पूरे देश का बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का 14% जो है, 14% कि टंगस्टन जो है वह सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग से प्राप्त किया जाता है। फिर से एक बार समझिएगा, पूरे भारत का 14% टंगस्टन का उत्पादन हजारीबाग से किया जाता है। उसके बाद प्यार दोस्तों, अंतिम पॉइंट, टंगस्टन का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों विद्युत बल्ब के निर्माण में टंगस्टन का भरपूर उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देखते होंगे ना विद्युत बल्ब में, ये जो फिलामेंट जो होता है ना प्यार दोस्तों, ये टंगस्टन का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि वह उच्च ताप को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। फिलामेंट में उच्च ताप होता है, तो इसके लिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का भरपूर उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्यार दोस्तों, देखिए, उच्च कोटि के उत्पाद के निर्माण में, जहाँ पर भी उच्च कोटि का उत्पाद का अपने को निर्माण होगा, तो मिश्र धातु के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बिजली के उत्पाद निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। काटने के औजार में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा के औजार में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इन सभी में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? आखिर शल्य चिकित्सा के औजार में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? काटने के औजार में क्यों होता है? क्योंकि यह बहुत कठोर होता है दोस्तों, घिसने से भी ये जल्दी घिसता नहीं है।
विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है टंगस्टन में। तो प्यार दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की सारी बातें समझ में आई होंगी। और जो भी बातें यहाँ पर बताई गई है उसका प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग नोट्स को उतार लीजिए। और जितने भी इसके पहले वीडियो सेशन हुआ है सभी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो प्यार दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।